सो गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आपको जो है रोड सेफ्टी के बारे में हमने लेट्स आई वन जो है हमने कर लिया था। अब मैं आपको जो है फायर प्रिकॉशन के बारे में, फायर यानी आग, प्रिकॉशन यानी सावधानी, यानी कभी अगर आग लग जाए, दुर्भाग्यवश मान लो कभी घर में आग लग जाती है या कहीं लग जाए, तो उस समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करें। जैसे देखो यहाँ पर दे रखा है, ऑन कोल्ड विंटर इवनिंग गेटी मैन ए सिक्योरिटी पर्सन वॉज डूइंग हिज ड्यूटी। सडनली ही सॉ दैट ए हाउस नियर बाय हैड कॉट फायर। ही इमीडिएटली रश टू द लोकेशन एंड डायल 101। एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसने देखा, एक सर्दी की सुबह में देखा कि कहीं पास में आग लग गई है। वो दौड़ करके गया और उसने 101 पर डायल किया। 101 101 किस लिए डायल करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, आग बुझाने वालों को बुलाने के लिए। इमीडिएटली द फायर ब्रिगेड हैड टीम अराइव्ड। जल्दी से वहाँ पर आग बुझाने वाली टीम आ गई। दे वर वियर द फायर सूट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। उन्होंने आग से बचने वाले कपड़े पहन रखे थे फ्रॉम द फ्लेम्स। दे स्टार्टेड पॉरिंग वाटर एंड डॉजेज द फ्लेम। उन्होंने आग के ऊपर पानी डालना शुरू किया और आग को बुझा दिया। दे ओपन द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस एंड रेस्क्यू पीपल ट्रैप इनसाइड। उन्होंने घर का मेन दरवाजा खोला और लोगों को बचा लिया। एंड गिवन ऑल नेसेसरी फर्स्ट एड ऑन इंटरेक्टिंग फर्दर द टीम। इट केम टू लाइट एंड द हाउस कॉट फायर बिकॉज ऑफ द। बाद में ये पता चला कि घर में जो आग लगी थी वो कुछ बच्चे खेल रहे थे, माचिस से खेल रहे थे। उसके बाद में वो लाइटिंग कैंडल्स, वो माचिस से खेल रहे थे और मोमबत्ती जला रहे थे। वन ऑफ द कर्टेन इन द हाउस हैड कॉट फायर। घर के एक पर्दे में आग लग गई। द फायर फाइटर एक्सप्लेन्ड दैट मोस्ट फायर अकर्स ड्यू टू द इन नेग्लिजेंस एंड चिल्ड्रन शुड बी मोर केयरफुल। फायर फाइटर ने कहा कि ज़्यादातर जो आग लगती है वो लापरवाही से लगती है या बच्चों की लापरवाही से लगती है। हमें क्या करना, फायर सेफ्टी रूल्स यानी आग से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ फायर। हमें आग से नहीं खेलना चाहिए। ऑलवेज वियर कॉटन क्लोथ्स वाइल बर्स्टिंग क्रैकर एंड सिंथेटिक क्लोथ्स कैच फायर इजिली। हमें हमेशा जो है कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, खास तौर पर जब हम पटाखे चला रहे हैं, क्योंकि सिंथेटिक कपड़ों में आग जल्दी पकड़ लेते हैं। आगे देखो, अगला हमारा है पेज नंबर 76 है, उसमें देखो अगला है, गैस सिलेंडर शुड बी स्विच्ड ऑफ एंड यूज आफ्टर इज। अगर आपने गैस सिलेंडर, घर में गैस सिलेंडर हमारे कुकिंग के लिए काम में आता ही है, अगर आपने गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर लिया, खाना बना लिया, तो उसको स्विच ऑफ कर दे। इन केस ऑफ गैस लीकेज डू नॉट लाइट फायर और एनी इलेक्ट्रिक स्विच, ऑल्सो ओपन द डोर एंड विंडो। बाय द वे, अगर आपको कभी गैस की बदबू आ रही है घर में, तो आप सारे खिड़की दरवाजे जो हैं वो खोल दें, खिड़की दरवाजे खोल दें, स्विच ऑन ना करें, ना तो बल्ब जलाएं और ना ही कोई आग वाली चीज जलाएं। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट ऑफ फायर पुट ऑफ द मेन स्विच। अगर घर में बिजली के तारों में अगर आग लग जाए, तो आप सबसे पहले मेन स्विच को बंद कर दीजिए। यूज सैंड और मड इंस्टेड ऑफ वाटर टू स्टॉप द फायर इन सच केस। ऐसी केस में जब बिजली की तारों में आग लग जाती है, उस समय कभी भी पानी नहीं डालें, वरना आपको करंट आ सकता है। इसकी बजाय आप मिट्टी का इस्तेमाल करें, मिट्टी उसके ऊपर डालें। आग लगने पर 101 डायल करें और सीख हेल्प और मदद करें, मदद के लिए दूसरों को बुलाएं। इवैक्यूएट द बिल्डिंग एंड डू नॉट यूज लिफ्ट। अगर आपके मान लो बिल्डिंग जिसमें रहते हो आग लग गई है, तो आप लिफ्ट में ना जाएं। इंस्टीड टेक ए स्टेयर और एन इमरजेंसी एग्जिट। या तो आप इमरजेंसी दरवाजे से बाहर निकले या सीढ़ियों से नीचे आए, आप कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। इफ़ योर क्लोथ्स कैच फायर रोल इन मड और फ्लोर, डू नॉट रन। इफ पर्सन कैच फायर रैप अ पर्सन विद द ब्लैंकेट और रैग। अगर आपके कपड़ों में आग लग जाए, तो आप दौड़े नहीं, बल्कि आप जमीन पर लेट जाएं, लेट कर या मिट्टी में लेट कर अपनी आग को बुझाएं। अगर कोई दूसरे पर्सन में आग लगी हुई है, तो उसके ऊपर कंबल डाल दे। ठीक है, ये ध्यान रखें कि ऐसे पर्सन को कंबल जो है रखें, ताकि क्या होगी, उसकी आग बुझ जाएगी। और उसके बाद में उस कंबल को हटा दे और उसको जल्दी से फर्स्ट एड देने के बाद में उस आदमी को जो है आप हॉस्पिटल लेकर जाएं। डू नॉट स्टॉप टू कलेक्ट
पर्सनल में उसकी जो पर्सनल चीज़ें हैं मान लो उसको आप उठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि पहले इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। स्मोक डिटेक्टर शुड बी इंस्टॉल्ड एंड देयर बैटरीज शुड बी चेक्ड रेगुलरली। जो धुएं को कंट्रोल करने वाले हैं या धुओं को चेक करने वाले हैं, ऐसे रिमोट को आप हमेशा चेक करते रहें कि उसके अंदर बैटरी है या नहीं है। पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं जैसे कि सिनेमा हॉल है, ऑडिटोरियम है, मॉल है, वहाँ पर जो है आग बुझाने वाला जो रेड कलर का ये देखो आग बुझाने वाली ऐसी टंकी वहाँ पर होनी चाहिए, यह आपने देखी होगी, इसका होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो मैंने आपके लिए लेट साइड टू भी मैंने आपको सोल्व कर दिया है। लेट साइड टू में देखिए क्या है, दीज क्लॉथ्स कैच फायर, कौन से कपड़ों में आग लग जाती है, सिंथेटिक, कौन से कपड़ों आग जल्दी लग जाती है, सिंथेटिक में। अच्छा फोन नंबर कौन से हैं, जब हमें आग लग जाए तो कौन से पे डायल करना चाहिए, 101 पर। अच्छा सैंड एंड मंड इज यूज टू स्टॉप कैच फायर, मिट्टी और कीचड़ का इस्तेमाल किसकी आग बुझाने के लिए किया जाना चाहिए, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी में अगर जो आग लग जाती है उसको पानी से नहीं बल्कि मिट्टी से बुझाना चाहिए। अगर फायर जो है अगर आग लग जाए तो हमें क्या लिफ्ट का यूज, लिफ्ट की बजाय हमें किसका यूज करना चाहिए, सीढ़ियों का, स्टेयर सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके नहीं, तो आज मैंने आपको ये करवा दिया है, कल हम पढ़ेंगे इंटरनेट सेफ्टी के बारे में। ओके बाय।